यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पुलिस कर्मियों पर नकेल कस दी है। अब कोई भी पुलिस कर्मी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक इंस्टाग्राम का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। योगी सरकार ने ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा सोशल मीडिया पर की जा रही हर तरह की गतिविधि को बैन करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। नई पॉलिसी के मुताबिक वर्दी में रील बनाने पर रोक रहेगी। थाना, पुलिस लाइन या कोतवाली आदि से सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट को बैन कर दिया गया है। पुलिसकर्मी सरकारी लॉगिन सिस्टम को अपने मोबाइल पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। लाइव टेलीकास्ट करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। कोचिंग, लेक्चर, लाइव टेलीकास्ट, चैट, वेबिनार आदि के लिए पुलिसकर्मियों को अपने सीनियर अधिकारियों से इजाजत लेना अनिवार्य होगा। पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर किसी भी राजनीतिक या आम आदमी को भी बुलिंग नहीं कर सकेंगे। पुलिसकर्मियों द्वारा सरकारी एवं व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट से की जाने वाली पोस्ट में किसी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, व्यवसाय, सेवाएं एवं संवर्ग, लिंग, क्षेत्र, राज्य इत्यादि के संबंध में भेदभावपूर्ण, पूर्वाग्रह या दुराग्रह से ग्रसित कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे किसी पोस्ट को लेकर अफवाह की जानकारी किए बिना उसे शेयर करने की मनाही होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्राप्त होने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो को सत्यापन किए बिना शेयर नहीं किया जाएगा। किसी भी अफवाह अथवा भ्रामक खबर का फैक्ट चेक करना अनिवार्य होगा। इसके लिए ट्विटर हैंडल यूपी पुलिस वायरल चेक, फेसबुक पेज यूपी पुलिस फैक्ट चेक एवं इंस्टाग्राम अकाउंट यूपी पुलिस फैक्ट चेक पर जानकारी किए जाने के साथ साथ मुख्यालय के सोशल मीडिया सेंटर से भी पुष्टि करनी होगी। अब आपको बताते हैं कि योगी सरकार ने पुलिसकर्मियों को कितनी छूट दी है। पुलिसकर्मी अपने निजी सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर सकता है, इसमें उसकी पोस्ट को निजी माना जाएगा। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के लिए यूजर की तरह पुलिसकर्मी भी जिम्मेदार होगा। पुलिसकर्मी व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट से पुलिस के सराहनीय कार्यों से संबंधित पोस्ट को रीट्वीट, शेयर, लाइक और कमेंट कर सकते हैं।